जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जनपद शाखा झांसी में श्री जितेंद्र दीक्षित सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रनगुआ ब्लॉक बड़ागांव जनपद झांसी को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ जनपद शाखा जिला झांसी अध्यक्ष के पद का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद झांसी की कार्य समिति का अनुमोदन अतिथि कराते हुए संगठन को गति प्रदान करने की बात कही और विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए शिक्षा एवं शिक्षक एवं संगठन हित में अपने दायित्व का निर्वहन करने की भी बात रखी गई। झांसी में पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। शिक्षकों की समस्याएं और जनपद पर नेतृत्व करने की जिम्मेवारी मुझे प्रधान प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दी गई है। ये कितने वर्ष का कार्यकाल? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है जी सर। और ये मैं 4th बार बना रहा हूँ। 2009 से लगातार आज तक शिक्षकों की लगातार समस्याओं को उठाता रहता हूँ। उनके जो भी समाधान होते हैं उनको कराने का अधिकारियों के द्वारा प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जानकारी का रहा। और अभी जो ये शिक्षकों यानी स्टूडेंट्सों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए या जो भी शिक्षा के उपरांत होंगे अभी ये काम है? मेरा नाम पुंजय सिंह, मैं प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जी है। और आज की इस उसमें जो बैठक जो आप ले रहे हैं इसमें जी जी, इसमें हम केवल इस वजह से इकट्ठा हुए यहाँ पर कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के सुशील पांडे जी, उन्होंने जो हमारे यहाँ नियुक्ति की है 4th बार जितेंद्र दीक्षित जी की, हम उनके स्वागत के लिए और अभिनंदन के लिए यहाँ बैठे थे और उनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर मैं देवेश शर्मा हूँ, बुंदेलखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का महामंत्री हूँ जी। सर आप बुंदेलखंड के न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या ऐसा बताना चाहेंगे शिक्षा संस्थान के लिए जो अति आवश्यक हुए और आज एक शुभ कार्य है, एक दिन है शुभ कार्य के दिन? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील पांडे जी ने झांसी जनपद में यहाँ के शिक्षकों की जान और हमेशा शिक्षकों के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति श्री जितेंद्र दीक्षित को 4th बार जिले की कमान सौंपी है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ एवं श्री जितेंद्र दीक्षित जी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।